लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा हुआ है कि जो हम 85 या 90% लोगों पर रोज एट्रोसिटी अत्याचार हो रहे हैं, हमारी माता बहनें आज सुरक्षित नहीं है, युवाओं के मर्डर्स हो रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग हो रही है और इस प्रकार के जो एट्रोसिटी हो रही है, इस पर रोक कब लगेगी? कोई भी मंत्रालय भोजन के किसी व्यक्ति का किसी भी समस्या का समाधान करने को राजी नहीं है। अभी एक मेरे परिवार में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके लिए मैं अनुसूचित जाति आयोग लोकनायक भवन में मैंने उसको शिकायत को दर्ज करवाया और वो एक हत्या का मामला था। अब हत्या के मामले में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी एक आर्थिक सहयोग का प्रबंध है, मतलब एक प्रोविजन है कि जिस अगर अनुसूचित जाति व्यक्ति की हत्या होती है तो उस पीड़ित परिवार को एक अनुदान में एक राशि दी जाएगी। मैंने उसमें ये लिख करके दिया कि पीड़ित परिवार को ये आर्थिक सहायता दी जाए और उसके बाद मैंने गेजेट नोटिफिकेशन की कॉपी भी लगाई, मैंने वेबसाइट खोल करके उनको दिखाया भी, लेकिन उन्होंने वो केस SDM साउथ ईस्ट को रेफर कर दिया और उन्होंने SDM साहब ने फिर DM को कर दिया। DM साहब ने उसके ऊपर वो एक रिमार्क्स लिख दिया कि भाई जब तक इसमें कोर्ट में फैसला ना हो जाए कोई भी सरकारी कोई भी आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि प्रोविजन तो है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मतलब उसका प्रावधान तो है लेकिन वो हक और हुकूक आपको दिए नहीं जा रहे। एक छोटा तो उदाहरण अभी तो मैंने आपको दिया है दोस्तों, हर प्रकार से धीरे धीरे आपके हाथ से ताकत छीनी जा रही है और वोट डालने का अधिकार जो है पहला ऊपर सबसे ऊपर लिखा है बैलेट से होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों जिन देशों ने इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बनाया उन्होंने इसको आउट फैशन्ड कर दिया, आउटडेटेड कर दिया और मान लिया कि इसमें मैनिपुलेशन या बेईमानी पॉसिबल है, मुमकिन है। आज वही लोग जो डेवलप कंट्रीज में आते हैं, मेड बी अमेरिका, मेड बी UK, मेड बी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मेड बी एनी अदर डेवलप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और वो लोग खुद भी नहीं करते हैं EVM का के माध्यम से कोई चुनाव नहीं करते हैं, लेकिन इस वक्त सारी की सारी ओपोजिशन की पार्टीज 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही और उससे भी ज्यादा पहले से कहते आ रहे हैं कि देश के अंदर जो चुनाव है वो EVM से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सरकार इस सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंगती। दूसरा मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है जातिवाद जनगणना कास्ट सेंसस का, देश के अंदर हर चीज का आंकड़ा है और हर बात के लिए, हर समस्या के लिए, हर प्रोविजन के लिए एक मंत्रालय है। अगर पैसे से संबंधित कोई बात है, देश में कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उसके लिए वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। कोई विदेश का कोई मुद्दा हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। इस प्रकार सभी प्रकार के मंत्रालय हैं, लेकिन कोई भी मंत्रालय अगर उसे ये मालूम पड़ जाए कि ये जो वादी है, ये जो कंप्लेनेंट है, अगर ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से आता है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जैसे मैंने आपको अभी अनुसूचित जाति आयोग का जो उदाहरण दिया था, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो बाबा साहब ने हमें दिए हैं और संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 19 तक सारे हमारे जो है मूलभूत अधिकार हैं, आज उसका हनन हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हनन होने के बावजूद भी हमारे लोगों का खून क्यों नहीं खोल रहा है, कि बहुजन जो है इस बात पे क्यों नाराज नहीं हो रहा है कि उसके अधिकारों को छीना जा रहा है और उसका कुछ भी अब मतलब सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक कर लिया गया और अब देखिए कि अगर 25% से ज्यादा कहीं वोट डलता है तो वही कैंडिडेट जीतता है। ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था कि हर चौथा वोट इसके उसको
मदरबोर्ड के इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो वीवीपैट है, वोटर्स वेरिफिकेशन पैड है, आपने बटन दबाया मान लीजिए पंजे का, तो पंजा तो आपको दिखेगा लेकिन वो आपका वोट काउंट हो रहा है कि नहीं। मतलब पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी थी दोस्तों, जो वहां पर विधायक 26% से जीता था, मशीन ने उसको 1% से जीत दिखाई, और बेचारा जो 24% से जीत रहा था उसको 1% से हार दिखाई। ये मैंने खुद जो है पढ़ा है, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। तो ये फैब्रिकेटेड है, मैनिपुलेटेड है, इसमें साजिश है। आप सभी को, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको इस बारे में लिखना चाहिए। मैं काफी कुछ लिखता हूं कि भाई हम खुद भी इसका विरोध करेंगे। अब दिल्ली में फिर चुनाव है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है विधानसभा के, तो कितने लोग हैं जो इसका विरोध करेंगे? जो अभी हॉल में बैठे जरा हाथ उठा के मेरे को बताएं। आप सब लोगों ने इसका विरोध करना है कि जो चुनाव है हम बैलेट पेपर से चाहते हैं। और मैंने देखे मेरे सोशल मीडिया पे मैंने कितना उसके बारे में लिखा है, और आप सब लोग भी इसका विरोध करें, क्योंकि एक चींटी को प्रकृति ने छोटा सा डंक दिया वो मारती जरूर है। और हमारा बहुजन जो है हर प्रकार से जो है मतलब अत्याचार को झेल रहा है, जुल्म सितम को झेल रहा है। तो दोस्तों हमें कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। और ये जो वी द पीपल पैगाम और इतनी ढेर सारी संस्थाएं, इन संस्थाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये आपके हक व हुकूक के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके सम्मान की लड़ाई को ये जो है सारी संस्थाएं लड़ रही हैं। तो जब तक आप इन संस्थाओं के जो पैगाम है उसको आप प्रैक्टिकली जमीन के ऊपर, जब तक आप जमीन के ऊपर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको और हमको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, और दूसरा एक मुद्दा है सामने लिखा है लेटरल एंट्री, ये तो बहुत खतरनाक मतलब हथियार है सरकार का। दोस्तों एक जॉइंट कमिश्नर लेवल के जो आईएएस होते हैं उनको डायरेक्ट भर्ती सरकार दे रही है, जबकि ऐसा प्रोविजन नहीं है। सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि डायरेक्ट आईएएस की अपॉइंटमेंट हो, कोई रिटन टेस्ट ना हो, कोई इंटरव्यू ना हो, सीधे अपॉइंटमेंट। अब आप एक बात बताइए कि जिन लोगों को डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आईएएस ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है, क्या वो कभी आपके वेलफेयर, आपके भले की कोई बात कर सकते हैं क्या? क्या वो सरकार के खिलाफ कुछ लिख सकते हैं क्या? कोई डिसीजन दे सकते हैं क्या? तो इसके ऊपर भी आपको जो है अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। सरकार को भी लिख के भेजें कि भैया जो लेटरल एंट्री है, ये जो साइड के दरवाजे से जो आप आईएएस की नियुक्ति कर रहे हैं और वो भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की, तो भाई साहब ये जो आईएएस है ये कभी भी बहुजन के मुद्दे को ना तो उसका कोई समाधान देंगे और ना ही कभी आपका सम्मान आपको मिलेगा, और हम लोग और खड्डे में जाते रहेंगे। तो दोस्तों बातें तो बहुत सारी हैं, कहें तो मैं एक एक मुद्दा करके सब पे बोलूं, लेकिन कोई बात नहीं। आप सब लोग बहुत समय से बैठे हैं, और कांशीराम जी की एक बात कहूंगा, उसमें लगभग सारी बात आ जाएगी। हमें अपना मनोबल बढ़ा के चलना चाहिए। बाबा साहब ने ऐसा प्रोविजन किया है संविधान में कि सबसे ज्यादा पावर आपको और हमको दे रखी है। हम अपना वोट डाल के अपना सरकार बना सकते हैं, अपना वोट डाल के जो गलत सरकार बन गई है उसका हम तख्ता पलट सकते हैं। तो हमें बाबा साहब का रेडी होना चाहिए और हमें सर उठा के चलना चाहिए और हर बार का प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। मैंने आपको चींटी का उदाहरण दिया, आप चींटी को मसाला जरूर देते हैं लेकिन चींटी आपको डंक जरूर मारती है। अगर आपका पैर पड़ जाए चींटियों के छत्ते पर तो आपको डंक जरूर मारेगी। तो कांशीराम जी ने इसी बात के लिए क्या लिखा है कि बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते। ये लोग आजकल बाज हैं, आप हम बुलबुल बन के रह गए हैं। कि बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुजदिलों के सीनों में राज नहीं रहते, और जिस कौम को पड़ता है सर झुका के चलने की आदत, उन झुके हुए सरों पर कभी ताज नहीं रहते, कभी ताज नहीं रहते। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।